ओम पूरे देश के कोने कोने से आए योग योद्धाओं की ओर से जिन्होंने अपना जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया, ऐसे योगी भाइयों और बहनों की ओर से आज के युग के महर्षि पतंजलि मां भारती के लाडले युग पुरुष, युग पुरोधा, युग यति, अविचलित पुरुषार्थ, अखंड तप, विकल्प रहित संकल्प व अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की जीवंत प्रतिमा परम पूज्य श्रद्धे गुरुदेव के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज जिन्होंने सन्यास की पवित्रता को नई तेजस्विता दी, जिन्होंने भारत में वो युग दोबारा से लाया जिसमें हम देखते थे कि भारत ऐसा देश रहा है जहां पर ऋषि मुनि विचरण करते थे, हमें सन्यासियों के रूप में, भारत देश को सन्यासियों के रूप में एक नई परंपरा, एक नई पीढ़ी दी परम पूज्य स्वामी जी महाराज का, हम संपूर्ण देश की ओर से अभिनंदन करते हैं। हमें इस बात का गर्व और गौरव है, इस बात का स्वाभिमान है कि हमारी संस्था, हमारे गुरुदेव ने 5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन योग करवाने वाला, योग करने वाला तैयार कर दिया। हमें स्वाभिमान है इस बात का कि परम पूज्य गुरुदेव ने 25 करोड़ से अधिक ऐसे लोगों को तैयार कर दिया जो कभी कभी योग करते हैं, और 100 करोड़ लोगों के मन में योग को गुफाओं से, ग्रंथों से, ग्लैमर से निकालकर घर घर तक पहुंचा दिया, और आज 100 करोड़ से अधिक लोग, और मैं तो कहूंगा कि 600 करोड़ लोग ये मानते हैं, चाहे वो योग से सहमत ना हो लेकिन उनके अंतर्मन में ये भाव, उनकी ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग कर दी कि यदि दुनिया की सारी बीमारियों का समाधान किसी चीज से संभव है तो ये योग से संभव है। भारतीय संस्कृति की इस विराट सेवा करने का कार्य यदि किसी को जाता है तो वो केवल और केवल हमारे गुरुदेव को जाता है, हमारी संस्था को जाता है, हमारे संगठन को जाता है। आज पूरे देश में 30 लाख रजिस्टर्ड सामाजिक संगठन कार्य करते हैं, वो 30 लाख रजिस्टर्ड एनजीओ जितना कार्य करते हैं, हम पूरी प्रामाणिकता के साथ, तथ्यों के साथ, तर्क के साथ यह बात रख सकते हैं कि हमारा पतंजलि योगपीठ परिवार, जिसके विभिन्न संगठनों की सेवाओं का यदि मूल्यांकन किया जाए तो उन 30 लाख एनजीओ की सेवा एक साइड में है, और हमारे पतंजलि योगपीठ के परिवार की सेवाओं को यदि रखा जाए तो वो सेवाएं 30 लाख एनजीओ से अधिक हैं। पतंजलि योगपीठ परिवार जिसने पूज्य स्वामी जी महाराज के योग योद्धाओं, हम सब जो साधारण मनुष्य थे, अपने नित्य प्रतिदिन के कार्यों में लगे हुए थे, उन सब को पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैसे पारस पत्थर छूता है और लोहे को सोना कर देता है, उसी प्रकार हमारे अंदर के, हमारे अवचेतन के गुणों को उभार कर हमें मां भारती के इस राष्ट्र यज्ञ में एक संविधा बना दिया, हमें एक योद्धा बना दिया, हमें एक सैनिक बना दिया। आज पतंजलि योगपीठ के माध्यम से सबसे पहले योग की क्रांति हुई, उसके बाद आयुर्वेद की क्रांति की गई, उसके बाद सत्ता परिवर्तन, जो 65 वर्षों से जमे हुए थे उनको उखाड़ने का कार्य, उस सत्ता को परिवर्तन करने का कार्य भी, उसमें भी निमित्त ईश्वर ने पूज्य स्वामी जी महाराज को बनाया, और आज की यदि हम बात करें तो आज स्वदेशी की एक बड़ी क्रांति हो रही है। आज 80-80, 100-100 वर्षों से जमी हुई विदेशी कंपनियां ये कहती हैं कि पूज्य स्वामी जी महाराज ने केवल पेट हिलाने का कार्य नहीं किया है अपितु विदेशी कंपनियों के आर्थिक साम्राज्य की चूले हिलाने का कार्य किया है। पतंजलि जिसके लिए भारत एक बाजार नहीं है, एक परिवार है, पतंजलि जो व्यापार नहीं करती, उपकार और परोपकार करती है, पतंजलि जिसका उद्देश्य कमाई करना नहीं है, भलाई करना है, पतंजलि एक कंपनी नहीं है, यह देश में कंट्रीब्यूशन की एक यूनिट है, पतंजलि जिसके लिए यह देश एक जीवंत प्रतिमा है और इसकी आराधना हमें करनी है। पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में अभी आने वाले समय में
शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति होने वाली है और देश के कोने कोने में हमारी जो 1 लाख से अधिक निःशुल्क योग की कक्षाएं चल रही हैं, जो करोड़ों लोग पूज्य स्वामी जी महाराज के इस विराट अनुष्ठान से, इस विराट संकल्प से जुड़े हुए हैं, उन सब के संकल्प के बल पर आज यदि पूरे देश में किसी एक संकल्प सिद्ध योगी की बात की जाए, आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी बार बार इस शब्द को प्रयोग करते हैं और मैं भी आज इस मंच से कहना चाहूँगा कि पूज्य स्वामी जी महाराज ऐसे संकल्प सिद्ध योगी हैं जिन्होंने आज तक जो संकल्प लिया वो पूरा हुआ है। और हमें इस बात का स्वाभिमान है कि हम ऐसे गुरुदेव के शिष्य हैं, ऐसे गुरुदेव के पावन सानिध्य में हमें कार्य करने का अवसर मिला है, ऐसे गुरुदेव को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं।